ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर भीलवाड़ा के सहाड़ा से, जहां देर रात शुरू हुई बारिश ने योग दिवस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर दी। देर रात शुरू हुई बारिश के कारण योग स्थल पर पानी भर गया। बारिश के चलते योग स्थल पर शहरवासियों की उपस्थिति नाम मात्र रह गई। भीलवाड़ा के सहाड़ा में प्री मानसून की हुई आहट ने आम जनता को गर्मी से राहत दी है। देर रात शुरू हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। वहीं पहली बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। बूंदी के नैनवा में हुए बाइक भिड़ंत में पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नैनवा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को कोटा रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी में 5 क्विंटल 73 किलो डोडा चूरा जब्त किया। बंडर चौराहा और रानीखेड़ा रोड पर ये कार्रवाई की गई थी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस को सफलता मिली। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। टोंक के देवली में विश्व योग दिवस पर हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। ये आयोजन CISF में हुआ। इस दौरान CISF के मैदान पर अद्भुत नजारा रहा और स्टेडियम जयकारों से गुंजायमान रहा। जयपुर के दूदू में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बांदीकुई निवासी हरीश मीणा और मौजमाबाद निवासी सद्दाम नागौरी को धारा 151 में मौजमाबाद से बालाजी मार्केट से गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर के बालोतरा में निर्वाचन विभाग विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक वृहद पंजीकरण महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। कार्यक्रम में युवा मतदाताओं, महिला मतदाताओं और विशेष योग्यजन मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं साथ ही बूथ लेवल पर अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन का कार्य भी किया जाएगा। अलवर के गोविंदगढ़ में योग दिवस के अवसर पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हेमेंद्र कुमार गोयल, तहसीलदार, थाना अधिकारी, पूर्व प्रधान, सरपंच गोविंदगढ़, आयुर्वेद प्रभारी ने किया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में तंदूर वाली कैंची पर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में राजस्थान राय सिख महासभा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष बुद्ध सिंह बड़वाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर नारी शिक्षा, वृक्षारोपण और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। टोंक की निवाई में मानसून से पहले बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई है। इस कारण मानसून में बारिश का पानी घरों में भरने का डर रहेगा। इस ओर नगरपालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं निवाई शहर में अब सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। यहां सफाई टेंडर्स में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष ने कहा कि पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के आहोर में चांदराई ग्राम पंचायत के उखरडा गांव में पिछले 10 दिनों से पेयजल समस्या गड़बड़ाने से ग्रामीणों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जालौर के जसंतपुरा क्षेत्र में अधिकांश स्कूलों में प्राथमिक उपचार की पेटियां उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार की कमी के चलते अस्पताल ले जाना पड़ता है। अजमेर की भिनाई में पुलिस ने ग्राम रैंड में आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़ने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में 4 आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा है। गत 8 जून की घटना पर आरोपियों को जेल हुई थी। अलवर के रामगढ़ में नोगावा के जंगल में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नोगावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की पहचान पप्पू राजपूत के रूप में हुई, जिसने गृह कलेश से तंग आकर विषाक्त पदार्थ खा लिया था। करौली के मंडरायल में चिकित्सालय इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार है। यहां 108 एम्बुलेंस डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को परेशानी हो रही है। 6 डॉक्टर्स की जगह व्यवस्था के तौर पर महज 2 डॉक्टर ही यहां पर लगे हुए हैं। अजमेर की केकड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। यहां संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम सहित प्रशासनिक अधिकारी और कई लोगों ने योगाभ्यास किया। चूरू के सुजानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदर्श विद्या मंदिर में ब्लॉक स्तरीय योग शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वामी कानपुरी महाराज ने योगाभ्यास करवाया। शिविर में बड़ी संख्या में अधिकारियों और लोगों ने योग किया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजस्व कर्मियों और ग्राम सेवकों की हड़ताल से तहसील से लेकर पंचायत तक काम ठप हो गया। हड़ताल से बच्चों के प्रमाण पत्र भी अटके रहे और एडमिशन नहीं होने से स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन रामलीला मैदान में संपन्न हुआ, जहां लक्ष्मणगढ़ पतंजलि की टीम ने योगाभ्यास करवाया। आयोजन के दौरान SDM अनिल महला, उप पुलिस अधीक्षक ब्रजमोहन असवाल और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। सीकर के रिंगस में तारानगर कॉलोनी में 5 दिन पहले एक युवक का शव मिला था, जिसके हत्यारों को पकड़ने में पुलिस अभी भी नाकाम है, जिसके चलते रिंगस में पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। डूंगरपुर के आसपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कस्बे में महाराणा प्रताप खेल मैदान में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बूंदी के नैनवा में देर रात 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें उपचार के दौरान एक
घायल युवक की मौत हो गई। घटना नैनवा थाना क्षेत्र के बटवाड़िया की है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में आए दिन हो रही चोरी व अन्य वारदातों को लेकर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस वृत्त निरीक्षक प्रेम रत्नू ने बताया कि अभियान के तहत बस स्टैंड समेत सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर नजर रखी जा रही है। राहगीरों की तलाशी भी ली जा रही है और संदिग्धों का डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है। जोधपुर की लूणी में सभागार में 7 महीने बाद साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि ने पानी, बिजली, राशन की समस्याएं बताते हुए समय पर कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों पर जमकर बरसे। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि जो अधिकारी आते हैं वो चुपचाप बैठकर नाश्ता करके चले जाते हैं। जोधपुर के बालेसर में राजस्थान ग्राम सेवक संघ कर्मचारियों का कलमबंद असहयोग आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति कार्यालय के आगे धरना देकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के तिवरी में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने से बच्चों का एडमिशन करवाने में परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आरक्षित वर्ग को ऑनलाइन आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज लगाने होते हैं। हड़ताल के कारण ये दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में जिले के राजस्व कार्मिकों अधिकारियों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। जोधपुर के ओसिया में सिरमंडी के रावलगा किढ़ानी में स्थानीय विधायक विकास कोष से खोदे गए नलकूप का विधिवत शुभारंभ कृषि मंडी चेयरमैन जगराम बिश्नोई ने किया। चेयरमैन बिश्नोई ने कहा कि गांव ढाणियों के विकास कार्यों को गति दी जाएगी। हर गांव ढाणी में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जयपुर के सांबर लेक में बिजली के करंट से 2 मोरों की मौत हो गई और 1 अन्य घायल हो गया। घटना वार्ड नंबर 15 की है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस एसआई रामकिशोर गुर्जर पहुंचे, लेकिन सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। 12 के अंत में एसडीओ मनोज कुमार मीणा ने 1 दर्जन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 38 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद इन सभी पर कार्यवाही के लिए कलेक्टर को शिकायत भेजी गई। 12 के अंत में नगर के मध्य से होकर गुजर रही खाड़ी की सफाई समय पर नहीं होने से, बरसात के समय पानी की निकासी न होने से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं खाड़ी के समीप बसे कॉलोनी वासी परेशान हैं, यहां समय रहते सफाई की आवश्यकता है। भीलवाड़ा के बनेडा में उपखंड अधिकारी रतनलाल नैगर ने उपखंड मुख्यालय स्थित करीब 1/2 दर्जन कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय व किसान सेवा केंद्र सह विलेज सेंटर पर ताले लटके हुए मिले। इस प्रकार पंचायत समिति कार्यालय में 5 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जयपुर के शाहपुरा में निकट मनोहरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH8 पर अवैध रूप से एक ट्रक में तस्करी कर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब के करीब 180 से ज्यादा कार्टन जब्त कर एक जने को गिरफ्तार कर लिया। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर 12 के छबड़ा से, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से एक किशोरी झुलस गई, जिसे उपचार के लिए परिजनों ने चिकित्सालय में भर्ती करवाया। घटना कस्बे के जोशी कॉलोनी की है। राजसमंद के भीम में थाना पुलिस ने NH8 पर एक पिकअप से 175 पेटी देशी शराब की बरामद की। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में बरामद शराब का बाजार मूल्य करीब 2.5 लाख रुपए आंका गया है। जालौर के आहो क्षेत्र में ई मित्र संचालक सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों की तैराशि से ज्यादा वसूल रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी ज्यादा राशि वसूलने वालों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। अलवर के किशनगढ़ बास में मुस्लिम महासभा राजस्थान के अज्जू खान उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। महासभा के अध्यक्ष अमीन खान ने बताया कि किशनगढ़ बास के गाँव खानपुर निवासी अज्जू खान को जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। झुंझुनू की चिड़ावा में उप प्रधान रणधीर बुड़ानिया को नई जिम्मेदारी सचिन पायलट ने सौंपी है। पायलट ने उन्हें कांग्रेस SC मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं सचिन पायलट की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र भी दिया गया। झालावाड़ के झालावाड़पाटन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खेल संकुल में 10,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य लिया गया। जिले भर में 1 लाख लोग योग करेंगे। वहीं झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहेंगे।
अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पेयजल की किल्लत, जलदाय विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कस्बे में करीब 8 दिनों से जलदाय विभाग की मोटर खराब पड़ी हुई है, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक इस मोटर को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी खुली आंखों से तमाशा देखने में लगे हुए हैं। अजमेर के विजयनगर वार्ड नंबर 2 में देवनारायण मंदिर के समीप करीब एक वर्ष पूर्व निर्मित डामर सड़क गुणवत्ता के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर जगह जगह से डामर उखड़ चुकी है। अजमेर के विजयनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रचार प्रसार को लेकर विभिन्न सरकारी महकमों के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं 21 जून को सब्जी मंडी चौराहे पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमजन से भाग लेने की अपील की गई। अजमेर के भिनाई में राजस्व सेवा परिषद ग्राम सेवकों के आंदोलन को समर्थन देते हुए पंचायत प्रसार अधिकारी व राजस्थान पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारी भी हड़ताल पर उतरे। अजमेर के नसीराबाद में सड़क पार कर रहे एक जने को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा NH79 स्थित ग्राम गादेरी में हुआ। पुलिस ने मृतक का शव नसीराबाद मोर्चरी में रख पाया। चूरू के सालासर में नेशनल हाईवे से ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यहां पुलिस थाने के सामने से बजरी और कंक्रीट से भरे हुए दर्जनों वाहन गुजरते हैं। इन ओवरलोड वाहनों से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। भरतपुर के बयाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए व्यक्तियों को पकड़ा और मौके से 8,875 रुपये व सट्टा उपकरण बरामद कर लिया। दोनों आरोपी कस्बे के लाल दरवाजा के निवासी हैं। टोक के देवली में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आज पंचायत समिति स्थित अटल सेवा केंद्र में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को लेकर चर्चा की गई। बैठक उपखंड अधिकारी रवि वर्मा की अध्यक्षता में हुई। चूरू के सुजानगढ़ में ग्राम सेवक संघ की असहयोग कलमबंद हड़ताल जारी है। यहां ग्राम सेवक हड़ताल पर बैठे हैं। ग्राम सेवकों के हड़ताल पर होने से ग्रामीणों के जरूरी काम अटक रहे हैं। करौली के सपोटरा में योग दिवस को लेकर जन जागृति रैली निकाली गई, जिसे SDM राजपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 21 जून को योग शिविर में भाग लेने की अपील की गई। भरतपुर के बयाना में कलसाड़ा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। यहां सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में नर्मदा देवी बिहारी सरकारी स्नातकोत्तर कॉलेज में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 33 मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्कूटियां वितरित की गई। इस अवसर पर विधायक अभिषेक मटोरिया ने छात्राओं को निरंतर उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर रहने की बात कही। हनुमानगढ़ के रावतसर में रविवार रात को ही भयंकर सड़क दुर्घटना में अकाल मौत का शिकार हुए 4 मृतकों के शव का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई के प्रार्थना पत्र पर बोलेरो कैंपर के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच SI पृथ्वीराज को सौंप दी है। हनुमानगढ़ के नोहर में अटल सेवा केंद्रों पर कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों की बैठक 22 जून को हनुमानगढ़ में होगी। बैठक में विभिन्न समस्याओं के संबंध में मांग पत्र तैयार कर निराकरण की मांग की जाएगी। राजस्थान पंचायत राज सुरक्षा कार्मिक संघ के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बेनीवाल ने बताया कि बैठक जिला परिषद परिसर में होगी। हनुमानगढ़ के नोहर में रेगुलेशन की हुई बैठक में नोहर परियोजना की नहरों को 2 समूह बनाकर रेगुलेशन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। रेगुलेशन कमेटी की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर हरितिमा की अध्यक्षता में हुई। 12 के अंत में नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के पार्षद मनोज त्यागी के नेतृत्व में वार्ड की समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। यहां खरंजा सीसी नाली व सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण वार्डवासी परेशान हैं। झालावाड़ के झालरपाटन में शिक्षकों की घोर लापरवाही की सजा, स्कूल के बच्चे भुगत देंगे। स्कूल के विकास के लिए 244 स्कूलों को 1,86,00,000 दिए गए थे, लेकिन उसमें से 1 रुपये का खर्च भी नहीं किया गया। जालौर के चितनवाला थाना क्षेत्र के अगड़ावा गांव में कुएं में गिरकर एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से महिला ने कदम उठाया। टोंक के देवली में नगर पालिका क्षेत्र में अवैध निर्माण जारी है। यहां स्वीकृति के बाद भी निर्माण शर्तों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहां बिना सेटबैक छोड़े बहुमंजिला मकान बनाए जा रहे हैं और शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। हनुमानगढ़ के पीली बंगाल में मजदूरी मांगने पर मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। पीड़ित के पिता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित के पिता ने बताया कि उसका लड़का भागीरथ मजदूरी का काम करता है, जो महेंद्र सिंह के घर मजदूरी के पैसे लेने के लिए निकला था। महेंद्र रास्ते में ही शराब पिया वो मिल गया। पैसे मांगने पर महेंद्र और उसके साथियों ने उससे मारपीट की। हनुमानगढ़ की संगरिया में गंग नहर और भाखड़ा कैनाल में किसानों के लिए आ रही पानी की समस्या को लेकर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बराड़, पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह पुन्नर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल पंजाब के सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत सिंह से मिला। पूर्व विधायक बराड़ ने मंत्री को बताया कि जीरो हेड पर भाखड़ा कैनाल में पानी पूरा दिया जाए, ताकि किसानों को उनका पूरा हक मिल सके। गंग नहर का पटड़ा जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसको सही करवाया जाए। जालौर की चितलवाना में आमजन के सहयोग से ही अपराध पर अंकुश लग सकता है, बाद चितलवाना थाने में आयोजित CLG की बैठक में थाना अधिकारी तेज सिंह ने कही।
थानाधिकारी ने सीएलजी सदस्यों को हर गांव में अपराध की गतिविधियों पर नजर रखते हुए समय पर पुलिस को सूचना देने व हर समय पुलिस का सहयोग करने की बात कही। भीलवाड़ा के बनेडा में पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सेवकों की कलमबंद हड़ताल जारी है। ग्राम सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर विकास अधिकारी के मार्फत उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के सहाड़ा में ट्रैक्टर चोरी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का खुलासा किया, चोरी का ट्रैक्टर खरीदने का आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। अजमेर के भिनाय बांदरवाड़ा रोड स्थित सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजकीय देवनारायण छात्रावास भिनाय में प्रवेश शुरू हुए। छात्रावास में प्रवेश के लिए ईमित्र से एजेईडी साइट पर आवेदन किया जा सकता है। भीलवाड़ा के जाहदपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनमानस में जागृति के लिए एक जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। राजसमंद के आमेट में उपखंड क्षेत्र में गर्मी अवकाश की समाप्ति के बाद कल खुलने वाले विद्यालयों में कहीं ताला लगा मिला तो कई संस्था प्रदान नदारद मिले। 19 जून को विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत होनी थी। टोक के टोडा राय सिंह में बीसरपुर के 55 गांव पानी को तरस रहे हैं। वहीं अभी होने वाली सप्लाई में 80% कटौती की गई। जालौर के जसवंतपुरा फेदाणी गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। बूंदी के कापरेन में मेगा हाईवे किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में एक अनियंत्रित कार जा घुसी। हादसे में कार में सवार 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर घाट का बराना के पास हुआ। प्रतापगढ़ के धरियाबाद में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। नगरवासियों ने पुलिस में असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। नागौर के लाडनू में एक विवाहिता ने अपने ही परिवार के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जोधपुर के बालेसर कस्बे में नया बस स्टैंड बनने से बसों का ठहराव पुराने बस स्टैंड पर नहीं होने से सवारियों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए व्यापार संघ ने समस्या बताई। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र में एक युवक ने रात को घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के श्री माधोपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रानीपुरा में शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पर तालेबंदी कर धरना दिया। यहां पिछले 2 दिन से ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कोटा के टावर में डूंगरली के रमेश मीणा की हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुरानी रंजिश के चलते गत 14 जून को कुल्हाड़ी से वार कर रमेश मीणा की हत्या कर दी गई थी। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।